40 सेकंड में आपके सफर को क्या जान पाएंगे लोग, लेकिन मैं 40 सेकंड में जानना चाहता हूं ये कौन है प्रोफेसर दत्ता सर, कौन है ये दिग्गज, कैसे यूएस पहुंच गए, कैसे लैब में इतने सारे रिसर्च किए, कैसे वर्ल्ड के अलग अलग वैज्ञानिकों के साथ मिलकर आपने एक मकान बनाया, कौन है? मैं एहसास करना भी चाहता हूं, करवाना चाहता हूं, मेरे रोम रोम से आवाज आ रही है, ये राजदीप दत्ता जी है कौन, कैसे यूएस पहुंच गए, क्या सपना था सर? 20 से 40 सेकंड सर, मैंने 40 सेकंड तो सवाल पूछने में ही लगा दिया, लेकिन मैंने आपको सर 40 सेकंड में जवाब देने के लिए कह दिया है सर। बात है कि ऋषिकेश जी, जब हम इधर से हमारा जो फाइनल ईयर का पढ़ाई लिखाई किया, उसके बाद हम इधर का बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में ओआईसी रह चुके हैं, ऑफिसर इंचार्ज, और इधर का जितना यूनिवर्सिटीज है इन लोगों का जो एग्जाम कंट्रोल वो मेरे हाथ से हुआ करता था, और मेरा ऑल ओवर वेस्ट बंगाल एंड इंडिया में कम से कम पर ईयर 46,000 स्टूडेंट्स हैज बीन पास्ड इन माय हैंड पर ईयर। तो ऐसा मेरा 7 इयर्स का जर्नी है हमारा यूनिवर्सिटीज में, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में, और उसके बाद आया रिसर्च का बात, जो रिसर्च करते करते हम यूएस में गए, और यूएस में जाके वहां पर सोफिया यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया में हमने एबनॉर्मल सेल डिवीजन के ऊपर थोड़ा काम किया, और उसके बाद उधर से हमको साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नवाजा गया, और उसके बाद 2015 का बात है, उसके बाद एकेडमिक एक्सीलेंस अवार्ड मिला 2016 को, और उसके बाद 2019 को एटीएन बांग्ला ने हमको एंटरप्रेन्योरशिप अवार्ड साइंटिस्ट ऑफ द ईयर और भी दिया बांग्लादेश से। और इस दौरान जो हमारा जो काम था, हम चाहते थे कि कुछ अलग सा कुछ काम करें जो काम हमारे इंडिया के लिए लगे अच्छा, तो इसीलिए हम वहां पर भी एबनॉर्मल सेल डिवीजन के ऊपर थोड़ा बहुत काम करते थे। काम करते करते एक प्रोडक्ट पे जब आके पहुंचा, तो उधर से ही हमने सोचा कि हम इसको इंडिया के लिए लेके आएंगे। तो मैंने क्या किया, मैंने इंडिया में लौट आया, और इधर से ही एबनॉर्मल सेल डिवीजन और नैनो टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करना शुरू किया। और उसी दौरान हमारा इधर लॉकडाउन आ गया, कोरोना आ गया, तो मैंने देखा कि कोरोना का जो माहौल है, वायरस को कैसे कंटामिनेट किया जाए, इसके ऊपर काम करना है। तो इसके ऊपर काम करने के लिए हमारा सामने हमारा देश का लोग, बहुत सारे लोग इन्फेक्टेड हो रहे थे, वो दृश्य हमको बहुत कष्ट दिया, और हमने उसी दिशा में अपना रिसर्च को डाल दिया, और निकाल के लेके आया सिल्वर नैनो पार्टिकल, जो आज सारा दुनिया के कम से कम 18 देशों में सेमिनार्स में उधर का मेडिकल जर्नल में पब्लिश हो चुका है, इंडिया का जितना गवर्नमेंट जर्नल है उसमें भी पब्लिश हो चुका है। और साइड बाय साइड ये जो जर्नल्स पब्लिकेशन है, इसी जर्नल से स्टेट गवर्नमेंट्स ऑफ वेस्ट बंगाल, स्टेट गवर्नमेंट का जो चीफ मिनिस्टर्स है, उन्होंने हमको एक विशेषज्ञ कमेटी गठन किया, उसमें मेरा नाम उन्होंने रखने का सौजन्य दिखाया मेरे को, और मैं कोरोना के लिए ऑल ओवर इंडिया में नेशनल और इंटरनेशनल चैनल में अपना जो मत है वो देता रहता हूं, और बंगाल का जितना सैटेलाइट चैनल्स है वो हर किसी चैनल में मैं कोरोना के ऊपर और इम्यूनिटी के ऊपर मैं जोर देता हूं। हालांकि मैं उतना नहीं मानता कि वैक्सीन हमारे लिए काम करेगा, इससे इसके पहले हमारा 2-4 बार ऑलरेडी न्यूज़पेपर में भी आर्टिकल्स आ गया, और बहुत सारा चैनल्स में भी आ गया। हम चाहते थे कि इस काम को आगे बढ़ाया जाए, उसी में ही सोनाकर नायक जी ने हमको रेनेटस का कमाल संभालने के लिए बोला, तो मैंने सोनाकर नायक जी को एक बात बोला था कि सोनाकर जी, आप जो काम करने चाहते हैं उसमें लोगों का भलाई होगा, तो उसने हमको बोला सर हमको भलाई करना है और कुछ करना नहीं है। तो बस हम सोचने लगे कि हाँ, हमको हमारा दिशा मिल गया, और हम रेनेटस में अपना जो पद है, जो रेनेटस का, जो रेनेटस ग्रुप ने, वेलनेस ने हमको जो पद से नवाजा है, उसको मैं स्वीकार किया। रिजल्ट प्रूविंग प्रोडक्ट है रेनेटस नोवा, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा प्रमाणित है, बिना कोई साइड इफेक्ट के आज ही ऑर्डर करें रेनेटस नोवा, आपके भरोसे और फिटनेस का साथी।